के अंदर है, तीन मंथ के अंदर मात्र रिस्ट्रिक्शन का, तो जो जो कर नहीं पाए इसका क्या रिलेटिव? अभी तो बढ़ा दिया, अगली अभ्य कमाने में उस टाइम को और आगे बढ़ा दिया ना। बाबा का उम्र से ज्यादा कौन इस होगा क्या? क्योंकि बाबा ही आदम होगा ना, तो आदम से ज्यादा तो बाबा से ज्यादा उम्र किसकी होगी? अगर अभी किसी का ज्यादा उम्र है हाँ, उसी से इससे कंसर्न होगा क्या? बाबा से ज्यादा जिसकी ज्यादा उम्र हो हाँ, मैंने यज्ञ के आदि में नहीं होगा ये कहने का मतलब है कि जो यज्ञ के आदि में नहीं था और अभी ज्ञान में आ गया है, एडवांस में आ गया है, तो क्या उसकी योग बल में बाबा से ज्यादा उम्र हो सकती है? ये मतलब उम्र हद का उम्र हाँ, हद की उम्र ही बाबा का उम्र है, ज्यादा जिसका उम्र है वो कंसर्न क्या हो सकता है क्या? इसी से का मतलब ये हुआ कि वो यज्ञ के आदि में नहीं था, और जो यज्ञ के आदि में नहीं था वो अंत में देर से आया और बाबा के बाद आया एडवांस में, तो जो बाबा के बाद एडवांस में आए हैं इससे साबित होता है कि वो पूर्व जन्म में लौकिक दुनिया में आखिरी जन्म में बाबा के साथ रहे होंगे, स्वभाव संस्कार बाबा से मिले हुए होंगे, इसलिए इस जन्म में आ गए, बाकी यज्ञ में आदि में नहीं हुए। उन्होंने ब्राह्मण जन्म लेकर के, दो जन्म लेकर के प्रारब्ध नहीं प्राप्त की, तो आखिर में आएंगे, और आदि के जन्म की प्रारब्ध है नहीं, तो उतना गहराई से बात को समझ नहीं सकेंगे। और बाबा बस नए कंपनी में हम चंडीगढ़ खेत जाना चाहते हैं, वहाँ रहने सेवा के लिए। अभी पर्सनल प्रश्न ही पूछिए, तो कैसे बाहर जाएगी ना? अष्टम अष्टबकुल हाँ, आठवां जन्म होता है ना कृष्ण का, सात नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, या सात जो है वो देवता पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं और लास्ट में बाप नंबर लेता है, बाप का विरुद्ध है सन सोच फादर और फादर सोच सन, तो बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे या बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा? जो है क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चों का टाइटल तो है नंबर वार सर्वशक्तिवान, लेकिन वो टाइटल माया ले लेती है, इसलिए वो माया की वो सर्वशक्तिवान की ताकत बच्चों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाप को पहले प्रत्यक्ष नहीं कर पाती। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, बाप अपने को अंत तक गुप्त रखता है और बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। सब कुछ माया करते तो हमारा ऊपर पाप? माया सब कुछ नहीं करती है, प्रकृति भी करती है, हमारे ऊपर पाप मनुष्य भी करते हैं,
सब कुछ माया भी नहीं करती, सब कुछ प्रकृति भी नहीं करती, सब कुछ मनुष्यात्मा भी नहीं करती, और भगवान सब कुछ करता है। अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, तो कमाकल वालों की बात है। सबका दाम बटा हुआ है, ड्रामा में नूद है। तुम्हारा जो काम है, पार्ट है, वो कोई दूसरा नहीं बजा सकता, सब कुछ कोई कैसे कर लेगा। हाँ जी, साइंस का और साइलेंस का विजय प्राप्ति का आप बताए नहीं। अरे सारी कथा पूरी हो गई। माना यज्ञ के आज में जो भी आत्मा थी, जिसके लिए बोला है कि ये धोबी घाट यज्ञ के आज से ही चलता चला आया है, आज में भी धोबी घाट था, और उस धोबी घाट की बात को न समझने पाने के कारण ब्रह्मा में और प्रजापिता में फ्रिक्शन पड़ गया। प्रजापिता तो अपनी जगह हिला नहीं, लेकिन यज्ञ से अलग हो गया, संगठन से अलग हो गया, क्योंकि आज में पूरा ज्ञान नहीं था, और अभी तो पूरा ज्ञान है। किस बात का? किस बात का ज्ञान है? आपकी संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है? संपूर्ण पवित्रता मन को कंट्रोल करने की है कि एक बाप दूसरा न कोई, तन के संपर्क में चाहे जितने भी आए, संसर्ग में आए, संबंध में आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर मन एकाग्र है तो कोई भी इंप्योरिटी नहीं आ सकती। मन एकाग्र नहीं है तो तन भी पतित होगा, क्षीण होगा, शक्ति क्षीण होगी। मनसा में कंटाले भी ढेर आएंगे, मनसा संघर्षमयी हो जाएगी, और जिसका मन का बैलेंस बिगड़ जाता है उसका धन तो बर्बाद होता ही है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ हुआ? यज्ञ के आज में भी 300-400 थी एक के साथ, और आज तो अंत में भी देखने में आती है, फिर भी मूलमतियों की बुद्धि में कोई असर पड़ता ही नहीं। बात बुद्धि में बैठनी चाहिए ना, कि एक के पीछे ही इतने क्यों भागते हैं, और जिसके पीछे इतने भागते हैं, जिसकी किचन से इतनी ग्लानी की कि तुम्हारा भगवान देखो कैसा था, 16,000 रानियां थी, कितना पतित गलीज था, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये नहीं समझते कि योग बल भी कोई चीज है। बुद्धि की एकाग्रता बहुत बड़ी पावर है। तन को एकाग्र करते हैं तो बड़े भारी पहलवान बन जाते हैं, शेर से भी लड़ाई लड़ लेते हैं, शेर
जंगल के सारे खूंखार प्राणियों को कंट्रोल कर लेता है, उसको भी मात खिला देते हैं। ऐसे तन बल वाले बन जाते हैं। धनवान बन जाते हैं और जन बल वाले बन जाते हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उनकी वाह वाह करने लग पड़ते हैं। तन बल में श्रेष्ठ, धन बल में श्रेष्ठ, जन बल में श्रेष्ठ, लेकिन मनोबल ऐसा नहीं बना पाते जो कृष्ण भगवान ने बनाया था, जिसके आधार पर कृष्ण को भगवान कहना शुरू कर दिया, राम को भगवान कहना शुरू कर दिया। श्रीनाथ को श्रीनाथ और जगन्नाथ को जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। है तो राम कृष्ण एक ही चीज, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही होती है। हाँ जी जन्म 2018 में हुआ, लेकिन बाबा मुरली का एक महाभक्त है जिसमें बाबा ने बोला कृष्ण का उम्र जब 20 से 22 होगा तब उसका कन्वर्शन उस हिसाब से बाबा 2018 से कैसे जन्म होगा हमारा तो समझ नहीं आता। उस हिसाब से तो और 2-4 साल पहले होना है, उस महाभक्त का वाणी अनुसार तो 2-4 साल पहले होना चाहिए। 22 जो बताया है ना, हाँ। वो 77 जो है वो संपूर्णता वर्त है बाप का, प्रजापिता का, और 77 से लेकर के 97 तक 20 साल पूरे होते हैं, और उसमें एक साल और ऐड हुआ तो 98 हुआ, याद आया? तो संगम भी कृष्ण की बात है। 20-22 साल जो जेल में पैदा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन पैदा होता है, वो स्वतंत्र होने की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है, बाकी कोई स्थूल कृष्ण की बात नहीं है। उनके लिए तो मुरली में बोला हुआ है कृष्ण जब 18-20 साल का होगा तो स्वयंवर होगा। और बाबा मुरली बोला है उत्तर भारत बाद में जाएंगे, भारत बाद में है, भारत बाद में उत्तर बॉम्बे उत्तर भारत है, बाद में जब जाएंगे सारा दुनिया में मैंने बाबा का परिचय मिल जाएगी। तो अभी तो विदेश का था भारत का विदेश दक्षिण भारत, लेकिन दक्षिण भारत के विदेश नहीं मतलब भारत बाद क्यों नहीं कहेंगे? वो वहाँ जो बाबा तो बोला आई जे सबको 80 जन्म में सब तो विदेशी बनना ही पड़ेगा, डबल विदेशी बनना ही पड़ेगा, तो लोगों बनना पड़ेगा ना,
जो बाबा को पास आते हैं सबको कन्वर्ट होते हैं, लाख जन्म में सब विदेशी हो जाते हैं। डबल बाप तो लोग विदेशी गाँव के बाप विदेशी का पार्ट बजा रहा है, तो जो बाप के नजदीक रहने वाले रुद्रमाला के मणके हैं वो भी विदेशी का पार्ट बजाते हैं, लेकिन जो विजयमाला के मणके हैं उनको आप विदेशी कैसे कहेंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाते हैं, उनको स्वदेशी कहेंगे विदेशी कहेंगे? सब नहीं होते हैं विदेशी, सारे ही विदेशी हो जाए तो फिर स्थापना और पालना कौन करेगा? लेकिन बातें तो भारतवासी तो होंगे ना, शुद्ध भारतवासी तो होंगे। लेकिन और उत्तर भारत से भारतवासी जाते तो यहाँ से भारतवासी नहीं होंगे, रुद्रमाला में जो हो गया वो भी तो भारतवासी होंगे बाद में। तो यदा कदा एक दो हो गया भारतवासी तो उससे सारी रुद्रमाला का नाम वाला हो जाएगा भारतवासियों में। रुद्रमाला में जो एक ग्रुप है वो सूर्यवंशी शुद्ध और बाकी सब बाकी दूसरे दूसरे वंश के, तो ना के बराबर हो गए ना। पहचान लेते तो भारत के विदेश अगर पहचान ही ले आराम से अब तक पहचानते रहे तो फिर माया की आखिरी परीक्षा कैसे होगी? जरूर जो माया की आखिरी परीक्षा है, फाइनल पेपर है, उसमें आप ही निकलेंगे ना। और जो आठ निकलेंगे उनमें भी आखिरी जन्म में ज्यादातर तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरते हैं, 83 जन्म नीचे नहीं गिरते। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वो भी तो भारतवासी है। ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं हाथ में भगवान का परिचय मिल जाए, संदेश मिल जाएगी, तो वो तो भारतवासी हो गए। ऑस्ट्रेलिया को भारत कहेंगे या विदेश कहेंगे? अरे ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा धर्मखंड है जो अमेरिका के बाद समुद्र तल से ऊपर आया है, है तो सबसे लास्ट में धर्मखंड ऊपर आया है। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा ऑस्ट्रेलियावासी कौन है? है बताओ। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया वासी कौन है? छोटी मम्मी अभी तक एडवांस ले नहीं पाया है? हाँ बड़ी मम्मी क्या 300 साल हाँ बेसिक नॉलेज में जब बड़ी मम्मी चली तो पीछे पीछे वो भी साथ में जाती थी। 76-77 जो है वो प्रत्यक्षता वर्ष है, और बेसिक नॉलेज में आने का जो टाइम है वो 73 है उनका माँ बेटी का। तो वहाँ के 300 साल और यहाँ के 3 साल बराबर हो गए। जो बोला आपका जो डायरेक्ट बात सुनेंगे वो उन्हें उन्हें जीवन मुक्ति मिलती है असली जो नहीं जानते वो आजादा मिलेगा। उनको नंबर वार तो पूरा इनका जीत सुनी उन्हीं शब्द बोलो 4.5 लाख को वो तो हम लोग बच चाहिए ना। हाँ तो वही सुन रहे जो मुरली में बोला ब्याज भी 83 जन्म भी कोई बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई तो होंगे। और
जब 2018 में कृष्ण राधा जन्म लेंगे उसी समय 4.5 लाख बाबा उन्होंने बोल रहे हैं जब राधा कृष्ण का जन्म होगा 2018 में सब 4.5 लाख लोग बचेंगे ना, इससे एक्स्ट्रा कोई बचेंगे? 4 लाख बचे वो सब खलास हो जाएंगे। अगर सब खलास हो जाएंगे तो ये बात तो झूठ साबित हो जाएगी कि नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का बरसा देता हूँ। माना कराची में जब स्वर्ग का सैंपल बनाया तो नरक की दुनिया थी या नहीं थी? खून की नदियाँ बह रही थी कराची में और दिल्ली में, और कराची के बीच में वो परिवार बड़े आराम से सुख से रहा पड़ा रहा, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। खुदा के बंदे बड़े आराम में रहते हैं। माउंट आबू तो क्या अभी बात हल नहीं हुई? क्लियर हो गया? मेरे से क्लियर हो जाएगा बात। हाँ हाँ जी, तो 4.5 लाख आत्मा है वो कहाँ कहाँ जाएगी? वो पहले तो माउंट आबू बिलवाड़ा टेम्पल दिल्ली यहाँ पर से रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? आपके घर में कहाँ रहेंगे? कलकत्ते में, दिल्ली की यमुना के कंचे में रहेंगी या आबू अब्बा के घर में रहेंगी? और योग बल से जो स्थान आवृत हो जाता है उसके ऊपर दुनिया भी विनाश का असर पड़ना चाहिए? प्रकृति उसके ऊपर हमला करेगी न? व्यक्ति के ऊपर हमला करेगी न स्थान के ऊपर हमला करेगी? माउंट आबू तो पहाड़ ही जीता जागता उदाहरण है। जो आज के वैज्ञानिक है वो भी इस बात को मानते हैं कि एक ही पहाड़ दुनिया में ऐसा है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और बहुत गहरा है। भूकंप आएंगे तो दुनिया में असर होगा, वहां असर नहीं होगा? लास्ट में तो जो 5-7 रोज का विनाश होगा उसमें तो सब अणु मिलकर के एक हो ही जाएगा, उसकी तो बात छोड़ दो। दापोर से 16108 आत्मा, 16108 हर टाइम रात भाना में आएंगे तो सर दापुर युग से 16108 जो आत्मा है वो क्या हर समय राजघरण में आएंगे? सत्य के आदि से लेकर के जैसा चक्र घूमता है आत्माओं का त्रेता के अंत तक, वैसा ही चक्र घूमता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। सत्युग के आदि में 16108 जो सतयुग आदि होगा माने 2036 उसमें 16108 प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं रहेंगे, कृष्ण के साथ राधा कृष्ण के साथ साकार राधा कृष्ण के साथ। हाँ, उनकी संख्या त्रेता के अंत में जाकर के 16108 पूरी होगी। हाँ जी, वो ऊपर से आत्माएं उतरती जा रहेंगी और वो प्रिंस भी बनेंगी, राजघराने में जन्म लेंगी जैसे राधा कृष्ण जन्म लेती। राधा कृष्ण के जो बच्चे बनेंगे उदाहरण के लिए, तो राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले सेकंड नारायण नारायण ही बनेंगे,
वो परमधाम से डायरेक्ट आवेंगे या यहाँ पहले से मौजूद होंगे? तो ऐसे ही जो 16,000 ट्रांसेंसेस हैं वो त्रेता के अंत तक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे। तो जो क्रम उनका सत्युग के आदि से लेकर त्रेता के अंत तक बनता है वही क्रम द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक बनता रहेगा। तो आगे 108 जो बाबा आपने बोला ऊपर से उतरते हैं, तो इससे मतलब जो रूप जो माला की अंदर में 16,108 नहीं रहेंगे टोटल, तो अगर 108 रूप जो माला की बाहर रहेंगे पर 4,500,000 का बाहर रहेंगे धारण करके रुद्रमाला भी आएगा। आएगा रुद्रमाला आएगा माना सूक्ष्म से धारण करके क्यों बोला इसको हजार एक सौ आठ प्लस को नहीं होगा तो कहा रहेगा जो जो सेकेंड ये नारायण लक्ष्मी बनने वाले हैं सत्युग में वो कहाँ रहेंगे? परमधाम में रहेंगे ना, तो ये भी परमधाम में रहेंगे। हाँ एक मिनट जगह 16,108 आत्मा मौजूद नहीं होगी तब तक सत्युग का प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है मौजूद तो होनी चाहिए बंदे तो परमधाम में मौजूद होता है। परमधाम में मौजूद ही कोई देखेगा तो यहाँ यहाँ दिखाई पड़नी चाहिए ना। वो अंत तक आते रहेंगे का मतलब यहाँ तो संगम युग में तो सब होने चाहिए ना, ऐसे थोड़े संगम युग में भी नहीं होंगे, कोई थोड़े समय होंगे कोई ज्यादा समय होंगे। मुरली में नहीं बोला गया, अव्यक्त वाणी में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि साकार में निराकार को याद करना है। राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों है? राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती, उसको तो याद करना और सहज है, औरों को तो कठिन होता है। मान लो राम वाली आत्मा या प्रजापिता वाली आत्मा से कारण या कारण किसी का झगड़ा हो गया तो झगड़ा होने के बाद तो वो समझेगा ये तो रावण है, तो रावण को कोई याद करेगा क्या? उसको तो बार बार चेहरा भूल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आत्मा से अपने शरीर से प्रीति होती है ना, तो सबसे ज्यादा याद किसको आएगी? है साकार में निराकार को याद करना है तो नंबर वार। वो नंबर वार क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं हमें हमें साकार का चेहरा याद नहीं आता, भूल जाता है, बार बार तड़पड़ाते हैं, मिलने के लिए तड़पड़ाते हैं, देखने के लिए तड़पड़ाते हैं, बात करने के लिए तड़पन होती है, बार बार बुलाते हैं। तो मुरली में बोला जो पतित से पावन बनने वाले होंगे वो पतित पावन आओ कहकर बुलावेंगे भी, और जो पतित से पावन बनने वाले नहीं होंगे वो बुलाएंगे भी नहीं। तो कारण क्या हुआ? किसी को साकार ज्यादा याद रह जाता है, किसी को कम याद रहता है। क्यों है ज्यादा? हाँ तिरसठ जन्मों में जो आत्माएं रामकृष्ण के साथ ज्यादा रही हैं, उनको वर्तमान समय का जो पार्ट है रामकृष्ण का साकार पार्ट वो आसानी से याद आ जाती है। रामकृष्ण वाली आत्माएं भी वर्तमान में एक ही साथ पार्ट बजा रही है, एक ही चोले में या अलग अलग एक ही चोले में पार्ट बजा रही है तो याद नहीं आएंगे। बाबा मुरली में ये भी बोला शंकर किसके याद करते हैं? मुरली में सुना शंकर किसके याद करते याद करते हाँ, सिर्फ बिंदी की याद करते। राम वाली तो ऐसे ही होगा
बताया तो था तेरी बुद्धि में, मुरली में बोला है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी। आप वो बिंदी कहाँ याद आती है? नाक पे याद आती है कि गर्दन पे याद आती है? वो अलग बात है, लेकिन औरों को बाबा कहने से साकार निराकार दोनों याद आ सकता है, लेकिन तेरे को माना एक को बिंदी ही याद आएगी बाबा कहने से। उसके लिए कठिन हो जाएगा तो फिर निरंतर याद किसकी होगी? सहज होगा, जितना सहज होगा याद करना उतना निरंतर होगा, और जितना कठिन होगा उतना ही अंतर पड़ जाएगा। जोर से बोलो ना, निरंतर जन्म में कृष्ण वाली आत्मा जो है वो कृष्ण वाली आत्मा तो राम के साथ मिल करके अभी किसी के जोर में नहीं रह रहे। वो क्या हुआ, अभी तो रह रहे हैं? ये जो आत्मा की बात कर रहे हो ना कि शरीर की बात कर रहे हो? तो आत्मा की स्थिति में तो दोनों मिलकर के रह रहे हैं ना। तुम बाप दादा को जितना चाहो अलग अलग करो, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम बच्चे बाप दादा को बार बार अलग अलग करते हो, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। हाँ जी, हीरो हीरोइन तो साथ साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रुद्रमाला का ग्रुप सारा रुद्रमाला 16,000 उसी में जाकर डाल देंगे रुद्रमाला में ही। विजय माला होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी, देखो अभी बताया सत्युग के याद में 16,108 नहीं होंगे क्या? सत्युग के याद में गिने चुने प्रिंसेस होंगे, कितने होंगे सत्युग में? आठ जन्मों में कितने प्रिंसेस का टाइटल पाने वाली आत्माएं होंगी? अरे 16 बोले, 16 आत्माएं ही तो होंगी जो प्रिंस प्रिंसेस का लकवा प्राप्त करने वाली होंगी सत्युग में, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? शैतान ऐसे ही है। 16,000 जन्म लेने वाले 16,000 क्यों? जो उनका जो बच्चा बनेगा वो तो कम जन्म लेने वाले होते हैं। हाँ, तो कृष्ण के जन्म कम नहीं होते? किसी की भी बात कर शुरुआत से प्रतिष्ठा की जाएगी ना, कोई भी बात की शुरुआत में पहले तो अम्मा बाप को गिना जाएगा ना। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो शुरुआत में होती है क्या? वो 16,108 में आएगी या नहीं आएगी? अरे है राधा कृष्ण प्रिंसेस नहीं बनते बाद में, बच्चे बनते तो है। जो भी प्रिंसेस बनने वालों की संख्या है उस लिस्ट में राधा कृष्ण और उनके बच्चे आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो जब वो आवेंगे तो बाद वाले भी आवेंगे। हाँ ये है कि यहाँ रह करके सन्मुख पुरुषार्थ करने वाले वो नंबर वार पुरुषार्थ होंगे, पुरुषार्थ अनुसार होंगे। बाबा इसमें फिर हम लोग जो पुरुषार्थ किया उससे हम लोग ये देखा कि जो जो रुद्रमाला है तो बोलते थे कि पुरुषार्थ जो करेगा अक्षर विधि से वो राजा महाराजा बनेंगे है? और जो मैंने पुरुषार्थ अक्षर विधि से नहीं करेंगे तो नंबर बार वो शुरुआत में राजघराने में आएंगे। 4.5 लाख जो हम लोग है 4.5 लाख का अंदर ही हम लोग को 4.5 लाख क्यों गिनते हैं? 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। हाँ टोटल मैंने राजा मोहन के प्रजा वर्ग के लेकर 4.5 लाख है। हाँ जी, उसका अंदर ही तो 16,108 आ जाता है। हाँ आ जाते हैं। तो जो 16,108 वो तो पहला जन्म में आ जाएगा। हाँ। ऊपर से क्यों आएगा? नहीं 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 नहीं, वही तो जो जो लक्ष्मी नारायण की कैटेगरी है वो प्रिंसेस बनने वालों की कैटेगरी है।
आधार मूलों की कैटेगरी और उनको जो जन्म देने वाले बीज हैं वो इस समय मौजूद होते हैं। यही प्राप्ति करेंगे, वो देखने में आएंगे यहाँ 16,000 वो भी देखने में आएंगे और जो 4,500,000 है वो भी समझने में आएंगे, 9,00,000 सितारे भी समझने में आएंगे। नारायण बुद्धू नहीं, ये नारायण समझदार और वो नारायण बुद्धू जन्म होगा समझदार होगा ना बुद्धू होगा, वो तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म लेंगे, उन्हें कुछ याद रहेगा पिछला सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर इतना इतनी बड़ी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा, सारा ज्ञान उठाएगी कैसे सारी दुनिया, बाप का पूरा परिचय कैसे फैलेगा। अब कब होगा ये एक्यूरेट नहीं बताया जाता, वो जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दिया गया। हाँ जी ज्ञान नहीं चलेंगे, 2,800 का जन्म कोई एक छोटे ग्रुप के अंदर होगा या सारी दुनिया के अंदर होगा, वो संगठन अलग होगा या गुप्त होगा या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। अभी जो अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की जो सौगात दी है उसका फाउंडेशन डालने वाले जो है वो अभी सारी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है ना, गुप्त है ना। कराची में जो संगठन था वो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था क्या? कराची वाले उसको जानते थे? नहीं जानते थे, ऐसे ही होगा। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा, गुंजाइश ही नहीं रहेगी प्रवेश करने की, इतनी गुप्त स्थापना होनी है। राम सीता का चौदह का मनोवर गायन है तो वो पीरियड हमारा ये नॉलेज का इधर से कौन सा पीरियड गिना जाएगा, कौन साल से गिना जाएगा वो चौदह वर्ष हमारा ये नॉलेज का इधर से कौन सा साल से गिना जाएगा? माना जो चौदह वर्ष का राम सीता का जो मनोवर्ष का गायन है हमारा इस नॉलेज का कौन सा साल से गिना जाएगा? असली तो तब तक गिना जाएगा जब तक पूरी स्थापना सामने नहीं आती, जब स्थापना सारी ही सामने आ जाए ब्राह्मण परिवार के तो क्लियर हो जाएगा। सुना बाबा भूमि नहीं सुना पाता है, उसकी बात सही है, मतलब 26 से 90 तक वो जो क्लियर है वो क्लियर चौदह बरस होता ना। हाँ ठीक है, वो तो ऐसे हो गया जैसे गर्भ में बच्चा जाता है उसको जन्म थोड़े ही कहेंगे, पिता रूपी जन्म थोड़े ही कहेंगे। हाँ जी 16,108 का जो आत्मा का बात क्या है, माता को क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ? माता नहीं हुआ, पापा बताओ ना क्या नहीं क्लियर हुआ? बस 16,108 हाँ जी आएगा तो वो डायरेक्ट कंचन काया में आएगा, थोड़े समय के लिए यहाँ होगा उनका, उनका ज्ञान का समझना गहराई से होगा लेकिन कुछ न कुछ त्रुटि ऐसी हो जाएगी जो जैसे सत्युग के आदि में राधा कृष्ण वाली आत्माएं जुदा हो गई ना किससे? राम वाली आत्मा से, ऐसे ही वो भी जुदा हो जाएगी।
अभी है कहाँ है अभी खाना संगम था ना तो कब था लेकिन जब था तब था तब से 16:30 तक था ये जो मनमोहनी देवी है और ये क्या नाम ये जगदीश भाई है ये क्या समझते कि नारायण नारायण को निबंध नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे बनेंगे तो संगम युग में बाबा फॉर्म कॉल वाले प्रिंस तो क्या हुआ 16,108 में काउंट नहीं होगा 16,108 में कैसे काउंट हो जाएंगे सारे जब त्रेता के अंत तक 16,108 की संख्या पूरी होती सचिव में प्रिंस लिमिटेड होंगे या ढेर सारे होंगे ना तो महाराजा महारानी ही होती है राजा होते ही नहीं ना वो 8 जन्मों में सिर्फ 8 महाराजा और उनके 16 प्रिंस बाबा ऐसा हो सकता है ये संस्कृत का आदि में ही जो 9,00,000 जो जन्म लिया उसमें 4,50,000 भी आ गया 4,50,000 बच्चे भी आ गया लेकिन जो राज परिवार में थोड़ा कमती आएगा राज परिवार में पहले कमती आएगा वो प्रजा वर्ग में रहेगा धीरे धीरे राज परिवार में एंट्री लेते रहेगा राजा बनेंगे तो ये जो राजा बनेंगे उत्तोमला में जो 4,50,000 में रहने वाले होंगे वो आत्मा ही तो द्वापर युग में राजा के परिवार में आने वाले होंगे या फिर जो सत्ययुग में जन्म लेने वाले प्रिंसेस के रूप में वो जन्म द्वापर युग में इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है और वो आकर के विचार फैलाती है दृष्टि वृष्टि का करप्शन फैलाती है देह का करप्शन फैलाती है उनकी बुद्धि में तो ये है नहीं कि एक से एक का कनेक्शन जिंदगी में शेष है तो जब वो करप्शन फैलावेंगी तो उनको भगाने वाले कहाँ से आएंगे दूसरे धर्म वाले होंगे तो हम सूर्यवंशी आत्माएं होंगी सूर्यवंशी जो प्रजा होगी जो राजा के लिए मर मिटने वाली प्रजा होती है वो अंत तक उनका सहयोगी बनती है तो वो आदि में वही चक्कर लेते तो ये मुसलमानों के अंदर डायरेक्ट कंचन काल काया में 9,00,000 डायरेक्ट नहीं 4,50,00,000 जाएंगे 4,50,00,000 में विजयमाला से आधे और आधे पुरुष प्रकृति के और आधे रानियों की प्रकृति के बाबा इसका अंग्रेज 4,50,00,000 जो है 4,50,00,000 जो है कांचन का होगा डायरेक्ट इसके अंदर में 16,108 नहीं होगा वो 16,108 जो है वो जब 2036 बनेगा हाँ तो 2036 में 9,16,108 आबादी तो होगी हाँ हाँ वो हो जाएगा लेकिन 9,00,000 जो 16,108 जो आबादी होगी उस आबादी में राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो है वो ही प्रिंस प्रिंसेस होंगी वो दूसरे प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे हाँ जी जो बात है वो वही की और उसको मतलब नहीं रहते तो हाँ जी जो 9,16,108 कभी कभी बोलते हैं 9,00,000 9,00,000 कभी कभी आप बोलते हैं 9,00,000 आबादी होंगी 9,16,108 कभी कभी आप 9,00,000 भी बता जब संपन्न स्टेज होगी सत्युग की तो 9,16,108 रंगमंच पर होने चाहिए फिर उनमें से बहुतों को वापस जाना जब सत्युग शुरू होगा तब 9,16,108 होगा आबादी तो फिर वो वापस क्यों जाएगा जाएंगे कुछ न कुछ ऐसे बचेंगे जिनको वापस जाना है सत्युग निंदक थौर न पावे वो वाली स्टेज में वो पहले जन्म में नहीं आ सकते सब जो कुमार का दादी वाली आत्मा है वो तो 9,16,108 के बाद आता है 16,108 प्रिंसेस तो बनेंगे कि नहीं वो पहले भी वो दूसरे जन्म में प्रिंसेस नहीं बनेंगे हाँ दूसरे जन्म में बनेंगे हाँ
तो वो प्रवेश करने वालों की लिस्ट में हो या साकार की लिस्ट में हो, मौजूद होने चाहिए। जो जो कुमार का दादी ग्रुप है वो तो ऊपर से आके जन्म लेगा, वापस जाएगा। हाँ वो तो वापस जाएगा, लेकिन वो तो नौ लाख 108 के ग्रुप में नहीं है। हाँ ठीक है, 9,16,108 के ग्रुप में नहीं, क्यों नहीं होगा? जो 9,00,000 प्रवेश करने वाले ग्रुप में नहीं होगा। अरे प्रवेश करने वाले होंगे तभी तो पेट से जन्म लेंगे। हाँ जी हाँ जी, 16,100 वापस जाना है, ये मुरली में बोला हुआ है। बहुत ऐसे बचेंगे जिनको फिर भी वापस जाना है। तो इससे पता चलता है बाबा, जो आदि में जो सतयुग का शुरुआत होगा उसमें 9,16,108 तो जो जेनरेशन होगा वो तो जो जो प्रवेश करके पार्ट बजाता है 4,50,000 के अंदर में, जो 4,50,000 तो ही तो जन्म लेता है आदि में। तो उसमें तो ये लोग नहीं आ गए, ये लोग तो परम धाम चला जाएगा पहले। 9,16,108 की पहले ही तो परम धाम में चले जाएंगे, तो ये लोग तो बाद में आएगा। क्या काउंट होगा 9,00,000 के अंदर? क्यों नहीं काउंट होगा? तब तक सर्किट कम्प्लीट माने नहीं जाएगा। आप तो बोल रहे हैं 2,00,000 प्यार जो होंगे आएंगे, 16,000 और 2,00,000 प्यार उसमें प्रजा भी तो होगी सारे। ज्यादा जो राधा कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद जो भी 4,50,000 आएंगे वो प्रजा वर्ग की क्वालिटी की आएंगी आत्माएं या प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं आएंगी? 16,000 कैसे हो जाता है? 16,000 ऐसे हो जाता, कुछ तो प्रवेश करने वाले हैं उनमें और कुछ यहाँ मौजूद है, दोनों तरह की आत्माएं। प्रवेश करने वालों को तो साकार शरीर है नहीं, है उनका प्रैक्टिकल में जन्म ही नहीं होगा, तो उनका प्रवेश का नाम सचिव प्रैक्टिकल जन्म होगा ना, सचिव में जाके प्रैक्टिकल जन्म होगा राधा कृष्ण के बच्चों के रूप में। कोई कोई का 2 से भी ज्यादा बच्चा पैदा होगा, इसका मतलब वो बच्चा जिसका ज्यादा है वो प्रजावर्ग की आत्मा होती है, नीची कोटि की, वो राज परिवार की आत्मा नहीं होती है। यहाँ भी आज की दुनिया में भी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार है, धन संबंध धन संपत्ति की समृद्ध है, उनमें इंटरटेनमेंट के साधन ढेर सारे हैं, इसलिए वो इन बातों में उतना ज्यादा रस नहीं ले पाते, बच्चे भी पैदा कम करते हैं। बोला जी सतयुग में अब रैम बुद्ध होते हैं, रैम बुद्ध। हाँ तो जब रैम बुद्ध होगा तो राजा प्रजा का ये जो पूछा जो भेद कैसे रहेंगे? ये यहाँ तुमको देखना है, वहाँ नहीं देखेंगे, वहाँ तो संस्कार यहाँ पड़ जाएंगे, वो उसी को खुश रहेंगे। वहाँ किसी के ऊपर शासन करना है क्या? अनुशासन इन कोई है, इनडिसिप्लिन कोई है, तो किसके ऊपर शासन करेंगे? संस्कृत के शासन का कोई मतलब ही नहीं। शासन तो तब किया जाता है जब अनुशासन इन हो, तो जब दो कलाएं कम हो जाती है तो अनुशासन इनता शुरू होती है, तब राजा बनने का कुछ महत्व भी है। तो उसकी यादगार भी संगम युग की दिखाई गई है क्या? जो चित्रों में राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया, सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखाते हैं, और राम सीता को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाते हैं, छत्र छाया दिखाई गई, ये जिम्मेवारी उठाने की बात है। जितनी जो ये की सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, हिम्मत करते हैं, उतनी बाबा की छत्र छाया उनको मिलती है, बाबा मदद करता है, तो उसकी निशानी वो छत्र दिखाई। लक्ष्मी नारायण की ज्यादा जिम्मेवारी है? लक्ष्मी नारायण जिम्मेवारी नहीं, लक्ष्मी नारायण क्या जिम्मेवारी उठाई? लक्ष्मी नारायण सती बने संगम में उठी लक्ष्मी नारायण, वो तो भाती निराली है, वो तो बेताज बादशाह है। सतयुग में तो वो तो भाषा नहीं होगा, साइलेंस में सब कुछ होगा, इशारा में सब कुछ होगा, है तो
अभी अभी भी तो जब योग बल की संपूर्णता की स्टेज पहुंचेगी तो मुख से ज्यादा बोलने की जरूरत होगी कि वाइब्रेशन से ही समझ जाएंगे। तो वो जो लंगर में बैठा हुआ हमारी भाषा यहीं से ही समझ लेगा। मोबाइल में सब कुछ काम होता है, राजा के साथ अलग अलग ज्यादा भाषा होगा इशारा। अब आँख से इशारा हो, अंगुली से इशारा हो, कैसे भी हो इशारा, कल्पनिक होठों का इशारा हो, थोड़ी होगी, बहुत हल्की। जितना ज्यादा श्रेष्ठ योग, इतनी कम जनसंख्या उतनी ही भाषा कम होगी, और जितने ही नष्ट युग होता जाएगा कलाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा भाषा यूज करो। भाषा की हिंदी होगी, हिंदी हिंदी भाषा होगी आज। तो वहाँ पर तुमने कोई इच्छा मत कहो, कोई संकल्प नहीं उठता, कोई संकल्प भी नहीं उठता वहाँ पर। मन का कोई काम नहीं होता, ज्ञान का काम होता, ज्ञान योग का काम होता, ज्ञान का काम होता, ज्ञान का काम होता, बोली में सुना है। तो मन का काम ही नहीं होता, तो संकल्प जब नहीं होता तो इशारा तो जब होता तब तो मन में कुछ ना कुछ इच्छा होता है। सब कुछ है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, अहंकार, लेकिन रूप परिवर्तित होता है। मन भी होता है लेकिन सत्व प्रधान मन होता है। एक ही है परम धाम से आएगा, वो तो सत्युग त्रेता की बात, वहाँ की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ अनुभव करेंगी वो आत्माएं, कोई प्रवेश करके अनुभव करेंगी और कोई साकार में अनुभव करेंगी। देखिए हाँ जी हाँ जी, इन्होंने बोलते हैं भाई साहब तो जी बाबा, स्वर्ग का दृश्य कैसे होगा, देवी देवता कैसे बात करेंगे, वो तो अभी हो गया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी शासन कैसे होगा, विश्व की बादशाही कैसे होगी। बताया वहाँ शासन की कोई बात नहीं होती, यहाँ से सारा अनुशासन सीख लिया, पर शासन कहाँ से आया। सोसाइटी में कैसा हाल होगा उसको जानना चाहते हैं, शुद्ध युग में कैसा होगा वातावरण, वातावरण होगा ज्ञान का लाइट जो है, बात पूरी हो जाएगी। जब वो कहना चाहते हैं निकल पा रही नहीं, मुझे नहीं निकल पा रही। हाँ जी, तो ऐसा प्रशासन कैसे होगा, बातचीत कैसे करेगा, शासन की बात ही नहीं ना। प्रशासन तो वहाँ होता है जहाँ अनुशासनहीनता हो, बात सब शासन के अनुशासन के अंदर है, क्योंकि कौन किसके ऊपर शासन करेगा। तो वहाँ पर पूजा भी जो सुख मिलेगा है, वहाँ पर पूजा को जो भी सुख मिलेगा नारायण को भी होगी। हाँ जी, सबको तो सब सुखी होंगे, उसमें सुख का नाम निशान नहीं रहेगा। वो अनुभव में ही नहीं आएगा, यथा राजा तथा प्रजा। तो खान पान कैसे होगा बाबू बोलते हैं, खान पान कैसे होगा, बढ़िया शुद्ध। ओनली फ्रूट, कोई मेहनत नहीं, मिलका उतारो, ये करो वो करो, नींदा लो और अंगूर तो खट्टा भी होता है, सब मीठा ही मीठा होगा। और एक रस है सत्यनारायण को, हम इस आंखों से देख सकेगा, सत्यनारायण को इन आंखों से देख सकेंगे। बाबा ने तो बोला 10 वर्ष के अंदर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, और बोला लक्ष्मीनारायण का जन्म 75 में ही हो जाएगा, तो आप अभी तक देख ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ बैठा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है
ज्ञान में आने के बाद ये बुद्धि में बैठ गया है कि हमको कंचन काया बनानी ही बनानी है, हमारी कंचन काया जरूर बनेगी, हम उस लिस्ट में अनुभव कर रहे हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं देखेंगे? बात समझो, हम बताओ दूर से आवाज़ ही जोर से बोलिए माता जी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए माता जी। अरे बात तो बात माफ है, इसी दल निकलेगा तो उसको मिसाल दिया शिव जी का, जैसे फसल होती है ना, तो फसल में पहाड़ों से कोई ऐसे उड़ने वाले कीड़े निकल पड़ते हैं तो सारी फसल खा जाते हैं, ढेर की ढेर तादाद में आते हैं, उसको टिड्डी कहा जाता है। मैदान में ज्यादा इधर आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी आते हैं, हाँ टिड्डी दल, ऐसे ही बताया, मिसाल दिया है टिड्डी दल का, माने ढेर की ढेर निकल पड़ेंगे। हाँ जी सत्युग त्रेता में काम क्रोध लोग मोह अहंकार होते हैं, लेकिन सब सात्विक स्टेज में होते हैं, और द्वापर युग से वो राजसी स्टेज में आ जाते हैं, कलयुग में तामसी स्टेज पकड़ लेते हैं। हाँ जी बाबा, आपने कहा है कि आगे चल के जैसे संकल्प चलाएंगे उसे ही होगा, तो ऐसे नहीं कि हम संकल्प चलाएं कि उड़ के जाए, ऐसे नहीं हो सकता आप संकल्प चलाएंगे कि हम उड़ के जाए उड़ के जाए उड़ के जाए, तो हो सकता है सपने में आप उड़ के ही जाए जी। अरे पूछना पूछ रहे हैं, सत्यजुग में घास आगे होगा ना मानव आगे होगा? कौन आगे होगा? वो पहले होंगे या मानव जाति पहले होंगे? साथ ही साथ होंगे, ऐसे थोड़े के वो उसमें बंजर में पैदा ही होगी, रेगिस्तान में थोड़े पैदा होंगे कोई अभी भाई। जब पूछना है कि सभी एक साथ करेंगे तो फल होंगे, फिर खाएंगे ना हम लोग? अब क्यों नहीं खाएंगे? पहले होना चाहिए, पहले ही होते आप एक जब, 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 जब समुद्र में बाढ़ आएगी बहुत ढेर सारी और ये सारे महाद्वीप जो है डूब जाएंगे और इतने मनुष्य इतनी मछलियाँ इतने जीव जंतु सारे मरेंगे और पानी उबाल खाएगा चारों तरफ, तो उनका सारा कचरा इंडिया के आसपास ही आकर के किनारे पे इकट्ठा होगा, कहाँ इकट्ठा होगा? इतनी खाद सारी जो इकट्ठी होगी वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? भारत के ही आसपास इकट्ठी होगी ना, तो ज्यादा पैदाइश भी कहाँ होगी? भारत में ही पेड़ रुख तैयार हो जाएंगे। अभी मनुष्य भी तो जो योग बल से पैदाइश होगी जिनकी, वो भी तो मर्ज अवस्था में है, जो योगी है वो भी तो अभी मर्ज में है, मर्ज होंगे ऐसे वो भी होगा। मनुष्य मन और बुद्धि वाला प्राणी है, मन और बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन जो है वो सारी सृष्टि को चेंज करता है, सृष्टि से सृष्टि परिवर्तित होती है
तो वाइब्रेशन से सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है। सृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से सारी सृष्टि का परिवर्तन। आत्मा है वो तो शुद्ध मंत्री राजा मंत्री फिर बोला आप हाथ से युगल को मोहिमा करते हैं इसलिए युगल लोग तो बोले युगल में विजय माला से जो युगल आएंगे उनमें जो मुख्य युगल है वो कौन है? लक्ष्मी नारायण है। उनसे भी पहले उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण तो बाद में टाइटल पड़ता है, उससे पहले क्या है नाम? शंकर पार्वती। तो शंकर पार्वती के लिए मुरली ने क्या बोला है? शंकर पार्वती को भी युगल नहीं कहेंगे। तो जब शंकर पार्वती ही युगल रूप में साथ साथ नहीं रह पाएंगे तो दूसरे युगल साथ साथ कहाँ पे हो जाएंगे? कटिगल में शरीर के साथ। आदमी जो नारी सन है काया होने के बाद क्या ये पुरुष दूसरे वाला का बोल रहे ना पुरुष है संस्कार जिनका पुरुष वृत्ति का 100% पहुँच जाएगा ज्ञान के आधार पर, जो 100% ज्ञान की रमक को पकड़ लेंगे तो वो जो भाई लोग अभी कंट्रोल कर रहे हैं माताओं को, वो माताएं उनके कंट्रोल में रहेंगी, शिवशक्तियां नहीं बनेंगी। तो जब शिवशक्तियां बन जाएंगी तो पुरुष हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? वो नारी बन के रहना पड़ेगा। कौन अभी जो युगल है? और क्या? हाँ, लेकिन विजय माला से जो मन के आएंगे। हाँ आएंगे वो युगल के, वो विजय माला से युगल बन के आएंगे क्या? नहीं, जो सिंगल ही आएंगे। सिंगल ही तो आएंगे, युगल बन के तो नहीं आएंगे। इन्होंने बोलता है कि जो फीमेल है वो कैसे मेल बनेंगी? विजय माला में जो जब वृत्ति चेंज होती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं और सारा भाव स्वभाव संसार ही चेंज हो जाता है तो हार्मोन चेंज नहीं होंगे? जब हार्मोन भी चेंज हो जाएंगे तो पुरुष बन जाएंगे। तो विजय माला में जो मेल है वो भी हार्मोन चेंज होकर फीमेल बन जाएंगे और क्या? वही पूछ रहे हैं कौन से साल के अंदर ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। अभी तो बताया उसको समझ में नहीं आती, बोल रही वो बात नहीं के बताई क्या मेल के होगा? मेल माने कहाँ के मेल? रुद्रमाला के या विजय माला के? जो रुद्रमाला के मेल है वो तो अभी भी सब देखने में आ रहे हैं। कोई ऐसा रुद्रमाला का मेल नहीं है जो कन्या माताओं को हड़प न करना चाहता हो, मुट्ठी में न रखना चाहता हो, कोई है ऐसा देखा? अरे तो मेल ना, जितने भी रुद्रमाला में भी मेल है वो कन्या माताओं को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं या उनके अंडर में रह के चलते हैं?
जल्दी क्यों नहीं बोलते, देर क्यों लगा रहे हैं? मेरा संकल्प है तो कभी खुद को मालूम है मुट्ठी में रखने का कुछ नहीं था, इसलिए टाइम ले रहा है। बाबा जी से चला रहे हैं क्या? माता कन्या का मुट्ठी में रखा, माता कन्या के दिल पे पूजा। ठीक है, बॉडी चेंज होने का क्या क्या वो मेल मेल बॉडी जो है उसकी प्रवृत्ति है ऐसी, वो दुर्योधन दुशासन बने बगैर रह नहीं सकती। और मेल बॉडी तो मेल ही रहेगा ना? हाँ, मेल बॉडी रहेगा। हाँ, लेकिन फीमेल बॉडी मेल हो जाएगा, ठीक है? तो ही पूछ रहा है ये मेल बॉडी क्या होगा। फीमेल बॉडी तो चेंज होगा, लेकिन मेल बॉडी का कुछ चेंज नहीं होगा क्या? चेंज होगा तो मेल है। इस बाबा ने बोला कि उत्तरमाला में जो भी मेल है, उत्तरमाला में जो भी मेल है उनमें कोई के अंदर ये संस्कार है विजयमाला के, संस्कार है विजयमाला के संस्कार, विजयमाला के वो संस्कार कि विकारों के ऊपर विजय महसूस करें, वो है किसी के अंदर संस्कार? बात खत्म हो गई। तो इससे पता चलता है कि जो मेल है मेल मेंबर तो भी फीमेल नहीं हो सकते हैं। फीमेल का तो समझ में नहीं आ रहा है बाबा, बोले फीमेल का कुछ चेंज होने वाला है क्या? बाबा बोले विजय प्राप्त होना माना चेंज होना, संस्कार बदल जाएगा। हाँ। तो उनका प्रश्न है कि फीमेल तो मेल होगा लेकिन रुद्रमाला के अंदर में जो मेल मेंबर है उन लोगों का कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? उन लोगों का कोई बॉडी चेंज नहीं होगा? होगा। और हिंदू है होगा, दाढ़ी मोड़ तो नहीं रहेगा। अरे भाव, कोई भी बात के भाव को पकड़ा जाता है, ये भाव ये क्या कहना चाहते हैं? दाढ़ी मोड़ की बात हो रही है, भिखारी जो चिन्ह है वो चला जाएगा, वही चेंज होगा। होगा ऐसे होगा कि उसमें अगर संस्कार है ऐसे बेंजी 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 पत्तियां हैं उसमें, अगर सीताएं हैं, अगर है मेल चोला लेकिन बस पत्ती तक मौजूद है तो चेंज क्यों नहीं होगा? है मेल चोला लेकिन देखने में फीमेल जैसा है। हाँ जी, इच्छा होगा सब तो, अगर इच्छा होगा नहीं तो ये नहीं हो सकता। क्या इच्छा होगा? इच्छा बिगड़ कैसे हो जाएगा? विजयमाला ज्ञान में नहीं आएगी, जब आएगी तो तुमसे सीखी जाएगी, तो जब सीखी जाएगी तो वो उनमें इच्छा नहीं पैदा होगी। विजय माला में आने की इच्छा नहीं होगी? विजय माला में आने की इच्छा नहीं होगी? वो तो होगी। लेकिन आप जो बोलना चाहते हैं कि वो उसको क्या ऐसे इच्छा होगा कच्चीकल में कि हमारे आज की दुनिया में ऐसे बहुत से हैं वहाँ भक्ति करके गए हैं जो है पुरुष थे पुरुष लेकिन स्त्री बन करके आ गए, तो उनके अंदर इच्छा थी तब तो बन गए, मेडिकल से नहीं ऑटोमेटिक बन गए। हाँ जी, ऑटोमेटिक बन गए बाबा, हमने तो सुना है मेडिकल प्रोसेस से होता है ऑटोमेटिक। ये अंदर के हार्मोन की चेंजिंग जो होती है वो दिमाग की बात है, भावना की बात है। हाँ जी, हाँ जी, वो विदेश से ही आती है माला, विजय माला। बाबा ने मुरली में बोला है मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? मिस इंडिया को तो भारत में सेवा करनी चाहिए ना। आप
बोला और किसके लिए बोला? अच्छा बाबा, और एक विनाश के पीरियड में आपने बताया, विनाश के पीरियड में आपने बताया कि आठ बचेंगे, आठ बचेंगे, तुम्हारा ये पार्ट है जो ऑलराउंड पार्ट रखे, मैंने एक दिन भी कम नहीं। तो अगर ऐसे ही आपने बताया हो तो नंबर वाइज जन्म होते रहते हैं, तो इस हिसाब से उसको आप पूछना चाहते हैं इनकी बात? ये जो आर्ट है, आपने बताया जो पार्ट है वो ऑलराउंड पार्ट है, एक दिन भी कम नहीं, पूरा 84 जन्म में एक दिन भी कम नहीं। आर्ट का पार्ट मैं ऐसे आपको बताया कि आर्ट ही बचते हैं, एक दिन भी कम नहीं। हाँ, बाकी जो मन के है वो एक दो दिन ऐसे कम हो जाते हैं। माने जो ऊपर से आत्माएं उतरेंगी तो एक दिन में ज्यादा उतरेंगी या आठ ही उतरेंगी? आठ ही उतरेंगी। हाँ, एक दिन के अंदर शुभ शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा आठ ही उतरेंगी, इसलिए बोल दिया। बाबा, एक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्या युगल का जो विजय माला है, कांचन का है, दोनों बोथ साइड कांचन का है होने का बाद ऐड होंगे ना? हाँ, कंचन काया होने के बाद ऐड होंगे, पहले से ही ज्ञान की दृष्टि से उनको पता लग जाएगा। हाँ जी, क्यों लक्ष्मी नारायण को पता नहीं लगता पहले से? शंकर पार्वती हैं, उनको पहले से पता नहीं लगता? तुम्हारा तो विजय वाला में फिर हाँ जी, बाद में उन लोगों को काम मिल गया। और क्या, और साथ साथ पहले मनसा का परिवर्तन होगा या पहले शरीर का परिवर्तन हो जाएगा? बस अभी ओम शांति कर दीजिए।